नफरत भरे बयानों से माहौल बिगाड़ने वालों पर दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई शुरू की है उसकी जद में अब ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष ओवैसी भी आ गए हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला दिल्ली पुलिस ने बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ पैगंबर मोहम्मद पर एक टीवी डिबेट के दौरान अपमानजनक टिप्पणी को लेकर की है। आज की रिपोर्ट में चर्चा इस बात पर कि क्या ओवैसी मुसलमानों के खुद मुख्तार नेता बनने के चक्कर में इस तरह के भड़कायू बयान देते हैं। इस रिपोर्ट में चर्चा इस बात की भी करेंगे कि क्या देश भर के मुसलमानों में उनकी लीडरशिप की स्वीकार्यता है। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं है कि जब ओवैसी पर भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया गया है। पिछले साल सितंबर 2021 में यूपी के बाराबंकी में ओवैसी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मामला दर्ज हुआ था। ओवैसी पर आरोप है कि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी अभद्र टिप्पणी की थी। दरअसल ओवैसी और विवाद एक दूसरे के साथ साथ चलते रहते हैं। वे अक्सर विवादित और भड़काऊ बयान देते हैं और सुर्खियों में बने रहते हैं। ओवैसी पर सांप्रदायिक सियासत करने का आरोप बहुत पुराना है। वे हेट स्पीच के लिए जाने जाते हैं और हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं पर जब तब देखो अनाप शनाप बोल चुके हैं। वे जब बोलते हैं तो उनके विरोधी भड़क उठते हैं और उनके समर्थक जोश में आ जाते हैं। खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी बताने वाले ओवैसी जनसभाओं में दहाड़ते हैं, चिल्लाते हैं और संसद में वो एक आक्रामक वक्ता के तौर पर जाने जाते हैं। वे अक्सर संसद में मुसलमान समुदाय से जुड़े मुद्दे उठाते रहते हैं, चाहे वो बाबरी मस्जिद पर फैसले का मुद्दा रहा हो, कथित लव जिहाद का या फिर नागरिकता संशोधन कानून और NRC का। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इस समय भारतीय मुसलमानों का राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेता नहीं है। आज़ादी से पहले जिन्ना मुस्लिम समुदाय के नेता माने जाते थे, आज़ादी के बाद भारतीय मुसलमानों का कोई राष्ट्रीय नेता बनकर कभी नहीं उभर सका। भारतीय मुसलमानों में लीडरशिप की एक कमी है और AIMIM के अध्यक्ष इसी वैक्यूम को भरने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। अभी तक भारतीय मुसलमानों की नुमाइंदगी हमेशा नीतीश कुमार, लालू यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे सेक्युलर माने जाने वाले नेताओं ने किया। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी की हैसियत से मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करती रही, इसलिए उस पर मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोप भी लगते रहे। बताया जाता है कि ओवैसी राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत मुस्लिम नेता की इस कमी को भांप गए और मुस्लिम एकता के बहाने हेट स्पीच की पॉलिटिक्स करके वे भारतीय मुसलमानों को यह जताने की कोशिश करते हैं कि वे ही हैं एक जो उनके लीडर हैं। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद ओवैसी का उत्साह इतना बढ़ा कि वे अपनी पार्टी को इस तरह से प्रोजेक्ट करने लगे कि मानो मुसलमानों की राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनकर उभर गई है और इसके अध्यक्ष ओवैसी समुदाय के सबसे बड़े नेता के रूप में सामने आ गए। AIM का गठन साल 1927 में हुआ। शुरुआत में ये पार्टी केवल तेलंगाना तक सीमित थी। 1984 से ये पार्टी लगातार हैदराबाद लोकसभा सीट से जीतती आ रही है। 2014 में हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 7 सीटें जीती और 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीतने के बाद इस पार्टी ने अपना दर्जा एक छोटी शहरी पार्टी से हटाकर राज्य स्तर की पार्टी के रूप में स्थापित कर लिया। हालांकि AIMIM मुसलमानों को केंद्र में रखकर बनाई गई पहली पार्टी नहीं है। केरल के मुस्लिम लीग की बात हो या असम की AIUDF, इससे पहले भी इस पहचान के साथ पार्टियां बनी हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियां अपने इलाके तक ही सीमित रहीं। ओवैसी का दावा है कि वे मुसलमानों को उनका हक दिलाने और उन्हें सियासत में भागीदार और सशक्त बनाना चाहते हैं। वे खुद को मुसलमानों का राष्ट्रीय नेता मानते हों, लेकिन हकीकत ये है कि सभी राज्यों के मुस्लिम मतदाताओं ने उन्हें स्वीकार नहीं किया है। इसकी एक वानगी देखिए। ओवैसी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी के विस्तार के लिए 2021 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव और इस साल हुए यूपी चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन इन दोनों राज्यों के मुसलमानों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया।
ओवैसी ने पश्चिम बंगाल के 7 मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की ऐसी लहर चली कि उनके आगे कोई पार्टी नहीं ठहर सकी और उनके सभी 7 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। मुस्लिम मतदाताओं ने ओवैसी से ज्यादा ममता बनर्जी का साथ दिया। इसी तरह यूपी की बात करें तो ओवैसी की पतंग की डोर यहां भी काट दी गई। हैदराबाद से चलकर यूपी के राजनीतिक मैदान में किस्मत आजमाने पहुंचे ओवैसी के अपने दावे थे। ओवैसी को उम्मीद थी कि मुस्लिम बहुल सीटों पर यदि वे जीत नहीं सके तो कड़ी टक्कर तो देने की स्थिति में आ ही सकते हैं। हालांकि हकीकत में ऐसा हुआ नहीं। उनकी रैलियों में मुसलमानों की भीड़ तो खूब उमड़ी, उनके जज्बाती भाषणों पर तालियां भी खूब बजी, लेकिन इस राज्य के मुसलमानों ने इनको वोट देने से परहेज ही किया। यूपी चुनाव के नतीजों ने ओवैसी को साफ कर दिया कि उनकी राजनीति को प्रदेश की जनता पसंद नहीं करती। एक वर्ग की राजनीति करने वाले ओवैसी ने यूपी में गैर मुस्लिम उम्मीदवार भी उतारकर अपनी छवि को बदलने की कोशिश भी की, लेकिन इसका फायदा उन्हें नहीं मिला और उनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह पतंग को उड़ने नहीं दिया गया। इस चुनाव में ओवैसी की पार्टी को 0.49% यानी 4,050,929 वोट ही मिले। तमाम सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। ओवैसी ने यूपी की 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। एक्सिस माई इंडिया सर्वे में पाया गया कि मुस्लिम बहुल इलाकों में 82% और यादव बहुल इलाकों में 83% मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को चले गए। इन दोनों चुनावों के बाद आई विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि चाहे पश्चिम बंगाल हो या यूपी, इन दोनों राज्यों के मुसलमानों ने ओवैसी से ज़्यादा अपने राज्य के नेताओं पर ही भरोसा इसलिए किया क्योंकि वे कथित तौर पर ओवैसी की पार्टी को सांप्रदायिक मानने लगे। यूपी चुनाव के दौरान विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में कई युवाओं ने कहा था कि ओवैसी के भड़काऊ भाषणों से मुस्लिम समाज का कोई फायदा नहीं होने वाला। भारत के मुसलमानों को सांप्रदायिकता की जगह सेक्युलर सिस्टम की सबसे अधिक जरूरत है, जिसमें ओवैसी की पार्टी फिट नहीं बैठती। कुछ युवाओं ने साफ कहा था कि मुस्लिम समाज या किसी समाज का फायदा एक सेक्युलर सियासत में ही हो सकता है। ओवैसी पर बीजेपी की टीम बी होने का भी आरोप लगता रहा है। माना जाता है कि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी स्वीकार्यता नहीं होने की यह भी एक बड़ी वजह है। हालांकि ओवैसी हमेशा बीजेपी की टीम बी जैसे तमगों को नकारते रहे हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बने रहिए टाइम्स नवनभारत डिजिटल के प्लेटफॉर्म के साथ।